नमस्कार, वैदिक एस्ट्रो केंद्र में आपका हार्दिक स्वागत है। प्रिय साथियों, आज के इस एपिसोड में, इस कार्यक्रम में जो हम आपके साथ बातचीत कर रहे हैं, ये कर रहे हैं आपके मंथली राशिफल जून 2022 के बारे में, यानी कि मासिक राशिफल। और ये जो जून 2022 का राशिफल है, ये पूर्ण रूप से लग्न राशि पर आधारित है, चंद्र राशि पर आधारित नहीं है। और अभी जो हम चर्चा करेंगे, जो आप वृषभ लगन के जातक हैं, यानी टॉरस असेंडेंट बेस जो जातक हैं, उनके मासिक राशिफल की चर्चा करेंगे। अगर आप में से बहुत लोग नहीं जानते हैं कि भाई लगन राशि से कैसे देखना है, तो उसके लिए भी आपको बता देते हैं कि आप अपना पहले जन्म पत्रिका खोल लें अपनी, उसमें जो लगन चार्ट है, लगन पत्रिका, उसमें जो पहला घर है, फर्स्ट हाउस जिसको लगन भाव बोलते हैं, उसमें जो भी नंबर लिखा हो, मान लीजिए वहां पर 2 लिखा है, तो इसका मतलब आपका वृषभ लगन है, टॉरस आप असेंडेंट बेस जातक हैं। तो जब हम वृषभ लगन की बात करते हैं, तो अब आपको वो राशि सुननी है, समझनी है और देखनी है। तो ये तो रही बात, ये अब हम समझते हैं कि आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। और अब जून 2022 में जिस प्रकार के भी आपको परिणाम मिलने जा रहे हैं जातकों को वृषभ लगन के, वो कैसे मिलेंगे? वो मिलेंगे कि जो ग्रहों की गोचर में स्थिति है उसके आधार पर। तो थोड़ा ग्रहों की स्थिति से भी आपको अवगत करा देते हैं कि भाई इस जून 2022 में ग्रहों की स्थिति क्या रहेगी, कौन से ग्रह कौन सी राशि में किस ग्रह के साथ बैठेंगे, शत्रु ग्रह के, मित्र ग्रह के, उसी के अनुसार आपको परिणाम प्राप्त होंगे भिन्न भिन्न क्षेत्रों में। तो सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे कि सूर्यदेव जो हैं अभी बैठे हैं आपके लगन भाव में, शत्रु राशि वृषभ में, बुध के साथ। और ये 15 जून को अपना राशि परिवर्तन करके जाएंगे अपनी सम राशि मिथुन में, और मिथुन राशि आपके चार्ट में सेकंड भाव में है, सेकंड हाउस में है, वहां ये जाएंगे बुध का साथ छोड़ के। इसके बाद बात करते हैं बुध ग्रह की। देखिए, बुध ग्रह पूरे महीने जून में अपनी मित्र राशि वृषभ में ही बने रहेंगे, जहां पर इस समय बैठे हुए लगन भाव में, फर्स्ट हाउस में, यहीं पर रहेंगे। और ये 3 जून को मार्गी भी हो जाएंगे, वक्री अवस्था में, लेकिन ये 3 जून को मार्गी हो जाएंगे, यानी सीधी चाल चलना आरंभ कर देंगे। बुध की स्थिति काफी अच्छी हो जाएगी। और इसके बाद बात करते हैं शुक्र की। देखिए, शुक्र जो है 18 जून को अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। अभी ये मेष राशि में बैठे हैं अपने मित्र राहु के साथ, आपके चार्ट में 12th हाउस में, द्वादश भाव में, मेष राशि में। लेकिन जब ये 18 तारीख को राशि परिवर्तन करेंगे, तो ये अपने मित्र राहु का साथ छोड़ेंगे और ये अपनी स्वयं की राशि वृषभ में आएंगे, जहां इनकी आपकी राशि ये पड़ी हुई है लगन भाव में, आपके चार्ट में, ये अपने ही घर में आ जाएंगे। वैसे भी वृषभ राशि के लॉर्ड हैं शुक्रदेव, तो अपने ही घर में आएंगे और अपने मित्र बुध के साथ बैठेंगे माह के अंत तक, 18 जून से। अब बात करते हैं मंगल ग्रह की। मंगल ग्रह 27 जून को अपना राशि परिवर्तन करेंगे साथियों। अभी वो बैठे हुए हैं अपने मित्र गुरु के साथ, अपनी मित्र राशि मीन में, और मीन राशि के स्वामी गुरु बृहस्पति ही होते हैं, उन्हीं के साथ वो बैठे हुए हैं एकादश भाव, यानी कि 11th हाउस में आपके चार्ट में। लेकिन 27 जून को ये गुरु का साथ छोड़ेंगे, अपनी मित्र राशि मीन से निकलेंगे और ये अपनी स्वयं की राशि मेष में प्रवेश करेंगे, आपके चार्ट में, लगन चार्ट में, 12th हाउस में, जहां पर पहले से ही राहु विराजमान है। और राहु और मंगल की जब ये साथ बनेगा, इसको किसी भी लिहाज से, किसी भी नजरिए से इसको शुभ नहीं माना जाता है। तो निश्चित रूप से परिणाम जब ये आएंगे यहाँ पर राहु के साथ, तो कुछ दुष्परिणाम भी देंगे, कुछ अशुभ परिणाम भी देंगे, लेकिन घबराने की बात नहीं है। हम एक एक करके सारी विस्तार से आपको चर्चा करेंगे और जहाँ पर भी कुछ ऐसा होगा, हम उपाय भी आपको साथ साथ देंगे साथियों। अगर आप वो उपाय करते हैं, तो किसी प्रकार की भय की आवश्यकता नहीं है, डरने की, अगर आप उन उपायों को करेंगे तो। तो ये गुरु के ऊपर आते हैं। अब गुरु बृहस्पति जो हैं, जैसा मैंने कहा कि एकादश भाव 11th हाउस में बैठे हैं आपके चार्ट में, अपने घर में, अपनी राशि मीन में, और ये पूरे माह ऐसे ही बैठे रहेंगे इसी घर में, इसी राशि में, अपने में। शनि देव जो हैं, ये भी अपने घर में बैठे हैं, अपनी राशि में बैठे हैं, कुंभ राशि में, और आपके चार्ट में 10th हाउस में, आपके करियर का जो हाउस है उसमें बैठे हैं। लेकिन 4 जून को ये वक्री हो जाएंगे, यानी कि रेट्रोग्रेड हो जाएंगे, उल्टी चाल चलना आरंभ कर देंगे। केतु की बात करें, केतु जो है वो 6 भाव में बैठे हुए हैं अपने मित्र के घर में, मित्र राशि तुला में, यानी कि 6th हाउस में, और ये पूरे माह इसी प्रकार बैठे रहेंगे। और राहु भी
पूरे महीने मेष राशि में ट्वेल्थ हाउस में आपका जो ट्वेल्थ हाउस है द्वादश भाव जहां पर मेष राशि है, जहां इस समय राहु आप देख रहे हैं चार्ट में बैठे हुए, मेरे पीछे जो चार्ट बना हुआ है ये आप वृषभ लग्न का चार्ट है जहां पर राहु देख रहे हैं, राहु पूरे महीने इसी मेष राशि में इसी ट्वेल्थ हाउस में बैठे रहेंगे इसी प्रकार। तो ये स्थिति ग्रहों की रहेगी। अब इनसे मिलने वाले क्या परिणाम रहेंगे भिन्न भिन्न क्षेत्रों में, उसकी चर्चा आपके साथ करेंगे और अंत में बताएंगे बहुत सरल और बहुत आसान उपाय। अगर उन उपायों को आपने, उन रेमेडीज को अगर आप करते हैं, डेफिनेटली आपकी चिंताएं दूर होंगी। सबसे पहले बात करेंगे आपके व्यवसाय को लेके, प्रोफेशन करियर के विषय में। देखिए साथियों, आपको बताना चाहता हूं, करियर तो आपका पहले ही शनिदेव बहुत अच्छा चला रहे हैं, राजयोग बना हुआ है, पंच महापुरुष राजयोग का शशि योग बनाया हुआ है उन्होंने, और ये आपके चाहे व्यापारी हैं आप चाहे रोजगार में हैं, ये तो वैसे ही आपके कार्य क्षेत्र में चार चांद लगा रहे हैं शनिदेव यहाँ बैठ के। और विशेष रूप से किन के लिए, जो लॉयर हैं या जजेज हैं, कानून से रिलेटेड हैं, जो लोग वकील हैं या फिर कंस्ट्रक्शन में हैं काम कर रहे हैं, रियल इस्टेट में काम कर रहे हैं, या जो ऑयल फील्ड से रिलेटेड हैं, या जो आयरन स्टील कोल माइंस में हैं, उनके लिए तो भाई ये समय बहुत अच्छा चल रहा है। शनिदेव उनको तो चौतरफा उन्नति और सफलता दिलवा रहे हैं और दिलवाएंगे जब तक रहेंगे यहाँ। लेकिन क्या है कि 4 जून से ये, मैंने जैसा कहा था कि उल्टी चाल चलना आरंभ कर देंगे, तो अभी जितना ये आपको दिलवा रहे हैं उसमें निश्चित रूप से कुछ कमी आएगी 4 जून के बाद। ऐसा नहीं है कि वो सब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, बिल्कुल नहीं है ऐसा, कुछ उसमें कमी आएगी, लेवल थोड़ा डाउन होगा, यानी कि जो दे रहे हैं वो थोड़ा स्लो स्पीड से देंगे, यानी कि जो चीज़ आज मिल जानी चाहिए वो एक हफ्ते बाद मिलेगी या 10 दिन बाद मिली, कुछ इस तरीके की स्थिति रहेगी 4 जून के बाद। लेकिन कार्य क्षेत्र में मुझे कोई ऐसी प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही है आपके। दूसरी बात आपसे करते हैं, आपके एक तरीके से आय के संबंध में इनकम कैसी रहेगी। मेरे प्रिय साथियों, इनकम बहुत अच्छी रहेगी, होती रहेगी, किसी प्रकार की कोई कमी मुझे इनकम में भी आपके नज़र नहीं आ रही है, इनकम भी आराम से होती रहेगी, आय आती रहेगी आपके हाथ में, खर्चे आपके बराबर चलते रहेंगे पूरे, बल्कि आय के साथ साथ आप बड़ी अच्छी सेविंग्स भी कर सकते हैं अगर चाहेंगे तो। अगर चाहेंगे, योग बहुत अच्छा बना हुआ है कि आप अगर चाहें तो पैसे को अगर कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं या फिर सेव करना चाहते हैं अपना मनी कहीं अच्छी जगह पर, तो वो कर पाएंगे, आप बहुत अच्छी जगह कर पाएंगे। अच्छी सेविंग्स मुझे दिख रही हैं इस महीने जून में। और सुख सुविधाओं की जहाँ तक बात है तो सुख सुविधाओं की कमी तो नहीं रहेगी, लेकिन लाभ लेने में थोड़ी कमी रहेगी, लाभ नहीं उठा पाएंगे पूरी तरह से, कुछ इस प्रकार रहेगा। व्यस्तता के कारण, भागदौड़ अधिक रहने के कारण कार्य में अपने, ये मुख्य कारण ये रहेगा। आगे बात करते हैं प्रेम संबंधों की। प्रेम संबंधों को लेकर के ये महीना जून का आप वृषभ लग्न के जातकों के लिए कैसा रहेगा और क्या ये प्रेम संबंध वैवाहिक संबंधों में बदल पाएंगे अगर आप कोई ऐसी योजना रखते हैं, प्लानिंग रख रहे हैं तो, अगर आपकी ऐसी भी कोई प्लानिंग है तो क्या ये पूरी हो पाएगी। देखिए मेरे प्रिय साथियों, जहाँ तक प्रेम संबंधों का प्रश्न है, और पहले से भी अगर आपके प्रेम संबंध हैं तो भी आपके बहुत अच्छे रहेंगे, और विशेष रूप से मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि 27 जून तक, 1 जून से लेके 27 जून तक का जो समय है आपके प्रेम संबंधों में काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस कराने वाला है, बहुत अच्छी प्रोग्रेस, काफ़ी अच्छे संबंध आपके रहने वाले हैं, और एक दूसरे को आप टाइम देंगे, मिलेंगे, बातचीत करेंगे, एक दूसरे के क्या कहना चाहिए, आपके लिए रेस्पेक्ट रहेगा, एक दूसरे के दिल में एक प्यार रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा, कमिटेड रहेंगे आप एक दूसरे के प्रति। लेकिन अगर प्रिय साथियों बात की जाए विवाह की, तो विवाह का तो अभी मुझे इस महीने कोई ऐसा योग, इतना मजबूत योग नज़र नहीं आ रहा है कि मैं जिसके आधार पर यह कह सकूँ कि आपका विवाह भी संपन्न हो पाएगा, ऐसी स्थिति नहीं दिखती। आगे बात करते हैं जो विवाहित महिला पुरुष हैं उनका कैसा रहेगा। मेरे प्रिय साथियों, आप वृषभ लग्न के जातकों का माह के आरंभ से माह के मध्य तक तो मिला जुला रहेगा, मिला जुला, मिले जुले में भी
मैं कहूँगा कि मध्यम रहेगा, सामान्य से ऊपर। और महामध्य से माह के अंत तक तो आप वैवाहिक सुखों का भरपूर आनंद लीजिए, बहुत अच्छा समय है, पूरे वैवाहिक सुखों का आप आनंद लेंगे। आप वृषभ लग्न के जातक आते हैं पारिवारिक संबंधों पर, तो देखिए पारिवारिक संबंध भी आपके बहुत अच्छे रहेंगे, परिवार के सदस्यों के साथ बहुत अच्छा तालमेल और वैचारिक मतभेद दूर तक होने की कोई संभावना दिखती नहीं है मुझे। आपसी तालमेल बहुत अच्छा रहेगा, आपसी सहयोग रहेगा, उनका आपको, आपका उनको, बहुत अच्छा सहयोग बना रहेगा पूरे महीने। तो कोई दिक्कत किसी संबंधों को लेकर के नहीं है परिवार के साथ। आगे बात करते हैं आप जो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं छात्र, उनके विषय में। भाई जो छात्र शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं उनको, अगर मैं ये नहीं कह रहा कि उनके रिजल्ट्स कहीं ना कहीं प्रभावित होंगे, ऐसी कोई बात मैं नहीं कहने जा रहा हूं, सिर्फ इतना कह रहा हूं छात्रों के लिए कि आपको अपनी शिक्षा प्राप्ति के समय पर जो शिक्षा ग्रहण करेंगे आप इस जून मई 2022 में, उसको ग्रहण करने में थोड़ी बहुत कुछ परेशानी आ सकती है, थोड़ी बहुत छुटमुट परेशानियां बीच बीच में। तो अगर आपने उन परेशानियों को, मैं समझता हूं कि फेस कर लेंगे आप आराम से, तो अगर कर लिया तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आ रहे हैं, बहुत जो ऐसे आप चाहते हैं उससे भी बेटर आ सकते हैं रिजल्ट्स इस महीने, अगर ऐसा हो जाए तो कोई सरप्राइज नहीं है, बहुत अच्छा योग बन रहा है ग्रहों का। आगे बात करते हैं संतान को लेकर के। भाई संतान को लेकर के भी माता पिता को बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होने जा रहे हैं। और मैं आपको इतना भी बता दूं कि 18 तारीख से तो और भी अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे, वैसे तो होंगे शुरू से ही, माह के आरंभ से ही, कोई दिक्कत नहीं है। कहीं बीच बीच में थोड़ा बहुत हल्का फुल्का कुछ अगर कोई समस्या आ गई तो वो समस्या नहीं कहलाती, उनको तो आप भूल जाएं, एक साइड कर दें। वैसे अगर कुल मिलाकर के मैं देखूं ग्रहों की स्थिति को, तो माता पिता को बहुत अच्छे संतान से सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट्स मिलने जा रहे हैं, जो आपको काफ़ी खुश रखेंगे संतान की ओर से। आगे बात करते हैं सेहत कैसी रहेगी। आपको बताना चाहता हूं वृषभ लग्न के जातकों को कि थोड़ा सेहत का जरूर संभाल रखें, और सेहत के साथ साथ थोड़ा शत्रुओं से भी सावधान रहें। शत्रु आपका नुकसान करने की कोशिश करेंगे, हालांकि नुकसान कर नहीं पाएंगे लेकिन टेंशन जरूर दे देंगे आपको मानसिक, तो एक तो शत्रुओं से सावधान रहें। यह उपाय है जो मैं आपको बता रहा हूं, स्वास्थ्य के साथ साथ स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है, और यह स्वास्थ्य इस कारण भी बिगड़ सकता है, कई दफा जब शत्रु जो है ज्यादा परेशान कर देते हैं और आपके पास उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता है, तब भी मानसिक परेशानी के साथ साथ स्वास्थ्य भी प्रभावित हो जाता है। तो इस प्रकार की स्थिति रहने वाली है, और ये इसको आपने इस महीने भी ध्यान रखना है और आगे भी ध्यान रखना है, नेक्स्ट मंथ भी। जब हम नेक्स्ट मंथ का यानी कि जुलाई का राशि पर लेकर आएंगे तो डिटेल में बात करेंगे उस समय, तो लेकिन आपको इस महीने भी अपने शत्रुओं से सावधान रहना है, रहना है, और अपने सेहत की भी संभाल रखनी है, दोनों चीजों पर ध्यान रखना है। अब उपाय क्या करा जाए, ये तो हो गया आपका राशिफल, परिणाम हो गए ग्रहों से मिलने वाले जून के महीने में। इस महीने आप करें ये बहुत सरल उपाय आपको दे रहे हैं कि एक तो आप अगर हो सकता है तो आप इतना कर लें कि मंगल स्तोत्र का पाठ जरूर करें, मंगल स्तोत्र का पाठ जरूर करते रहें, और मंगल स्तोत्र नहीं करना चाहते हैं तो मंगल के मंत्रों का जाप कर लें। ओम क्राम क्रीम क्रोम सह अंगारकाय नमः, ये है मंत्र। तो मेरा मतलब ये है प्रिय साथियों, ओम अंग अंगारकाय, शॉर्ट में कर लें, ओम अंग अंगारकाय नमः, ये मंत्र करें रेगुलरली, एक माला तो कर ही लें कम से कम। और दूसरा क्या करना है, दुर्गा सप्तशती माता का पाठ करना है नियम से। अगर आपके कोर्ट कचहरी के भी मामले चल रहे हैं, फंसे हुए हैं आप उसमें भी कहीं, तो माता का पाठ करना ना भूलें, दुर्गा सप्तशती का पाठ जरूर करें।
तो ये थे उपाय जो हमने आपको अभी दिए हैं। आपको यह राशिफल पसंद आया है मेरे प्रिय साथियों, तो आप इसको लाइक जरूर कर लें और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इससे लाभ ले सकें। और यदि आप चाहते हैं कि आपके पास आने वाले दिनों में जो भी हमारे नए वीडियोस बनते हैं एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक्स पर, वो भी आपको मिलते रहें, उसकी नोटिफिकेशन भी आपके पास सीधी पहुँचे, तो आप जो ये बेल आइकन देख रहे हैं इसको क्लिक कर दें। बस इतना काम आपने करना है। इसी के साथ बहुत धन्यवाद। जय माता दी।